ओहो, हर दिवाली में मुझे पता चलता है कि मेरे घर में कितनी और नई किताबें आई हैं। घर में हर जगह किताब ही किताब, थोड़ी सी तो निकाल दो, सारी पड़ी पड़ी दिमाग लग जाएगी। अंजलि, अगर इन किताबों को हमने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया ना, तो हमारे दिमागों को दीमक लग जाएगी। किसी ने ठीक कहा है, न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोप मुकाबिल तो अखबार निकालिए। अरे दुनिया में जो हथियार काम नहीं कर सकते वो किताबें काम करती है, इसलिए किताबें आसपास रहे तो घर भी हरा भरा लगता है। ये छोड़िए, आज खाने में क्या लेंगे आप? खाने में किसी अच्छे से लेखक की नई नई कहानियां और या फिर कोई अच्छा सा नॉवेल। देखो अंजलि, ऐसा करते हैं, तुम जो मुझे घास फूस खिलाती हो ना, उससे बेहतर तो यही खाना है, यही खिला दो आज। अरे उधर भी कोई है। कौन है भाई? ओहो गणपत, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेहरा साहब ने आपके लिए दिवाली का गिफ्ट भेजा है। अरे वाह, क्या बात है भाई, मेहरा साहब को मेरा शुक्रिया कहना और उन्हें भी दिवाली की शुभकामनाएं। जरूर। तो मैं भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी टू। ओके। अरे भाई अंजलि, छोड़ो ये, देखो तुम्हारे लिए दिवाली की गिफ्ट आई है, इसे पकड़ो। वाओ, थैंक्स। शुक्रिया। क्या है इसमें? अरे जल्दी खोलो थोड़ा। वाओ, क्रॉकरी। इसमें भी किताब। अरे अब्दुल, कंडील बहुत मस्त बन गया है ना? या टप्पू से ना, आज से तुम लोग स्कूल की छुट्टी पड़ गई है ना? अब ये बता कि इस दिवाली में क्या धमाल करने वाले आप लोग? इस दिवाली में हम सब मिलकर पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन सुनो हाँ, इस बार कोई ज्यादा बड़े बड़े बॉम्ब नहीं फोड़ेगा। अरे क्या सुनू, टप्पू की दोस्त अगर बॉम्ब से डरती है। टप्पू चलो पटाखे फोड़ते हैं। गोली, तू फटाके लेकर भी आ गया? नहीं, पिछले साल के वो ही लाया हूँ, चल फोड़ते हैं। पिछले साल के फटाके इस साल फूटेंगे क्या? अभी दिखाता हूँ। ये गोली हो गया पपट? ए गोली, क्या गोल हो गया? क्या अब्दुल, क्या हो गया? कंडील तैयार? तैयार। किसने फोड़ा बम? मैं पूछ रहा हूँ, यह बम किसने फोड़ा? ये कोई जगह बम फोड़ने की? ए जेठालाल, बच्चों को क्यों डांट रहे हो? अब दिवाली के दिनों में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे वो? अरे भाई फटाके फोड़ो, उसकी ना नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बम, बम क्यों फोड़ते हो? क्यों डरते हो बम से इतने बड़े होकर? ये भिड़े हुशियारी, तू क्यों बीच में डबका डाल रहे? अपना काम करना, जाने भाई जाने अंदर। जाओ जाओ जेठालाल, घर पर जाओ और दया भाई पर गुस्सा करो, जाओ। ए जावड़ी, ए चांपली, तू अंदर जा, ज्यादा देर गैलरी में खड़ा मत रह, किचन में बहुत सारा काम है, बर्तन दो बर्तन, जा जल्दी। बात करता है जो फोड़ू क्या बम फोड़ू? कोई बम से डरता नहीं है, वो तो ऐसा आदमी चल रहा है, अचानक बीच में ऐसा बम फूटेगा तो डरेगा कि नहीं? खाली ऐसा चीज निकलता है और क्या। आबा, आबा, आबा। जगह जगह पे बम रख दिया तुम लोगों ने। ताई रंग, ताई रंग, ताड़ी के रंग मार रंग ताड़ी। ओहो, पता है ये अलमारी 2 साल के बाद साफ हुई। अच्छा,
ये कैसे पता चला? ये अखबार देखकर, इसमें 2 साल पुरानी तारीख लिखी है। अरे बापूजी, हाँ जरा झाड़ू दीजिए ना। ताली रंग ताली रंग ताली रंग ले। बापूजी, हाँ ये जरा गीला कपड़ा दीजिए ना। कितना कचरा है। हाँ बापूजी, ये भी साफ हो गया। अब बापूजी, हाँ ये जरा सूखा कपड़ा दीजिए ना। रंगे ताली रंगे ताली रे रंग मा रंगे ताली रंगे ताली रंगे। ले बहू, अब इस उम्र में तुम मुझसे काम करवा रही है? पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? बस बहू, मैं क्या कहता हूँ, तू ये सब काम रहने दे, कल जैसा से करवा लेना है। वैसे भी कल वो पूरण पोड़ी खा के पूरा दिन पड़ा ही रहेगा, तो थोड़ा काम करेगा तो उसका पेट भी कम हो जाएगा है। क्या बापूजी, आप भी क्या हुआ, आप लोग इतना हंस क्यों रहे? कुछ नहीं, थैंक यू। ये मुझे थैंक यू बोल के क्यों गए बाबूजी? ना मैंने इसकी तारीफ की है, ना इसके लिए कोई तोहफा लेकर आया हूँ, फिर भी थैंक यू। खाना खा के सो जा, कल पता चल जाएगा। मकर राशि में क्या लिखा है? मकर मकर, हाँ मकर, आज आपको धन लाभ होगा। बराबर है, दिवाली आ रही है, दिवाली में धंधा तो ज्यादा ही होता है। पड़ोस पड़ोस वालों से प्यार बढ़ेगा। हाँ ये अच्छा भविष्य लिखा है। प्यार बढ़ेगा वो पिताजी। और क्या है, आज आपके नसीब में राजयोग है। हाँ ये भी एकदम बराबर लिखा है। अभी दया के हाथ की गरमा गरम पूरण पोड़ी घी से लत पत खा के ना राजा की तरह फर्स्ट क्लास 2-3 घंटा सो जाऊंगा ऐसा मस्त। जेठिया। हाँ बापू जी। हैं? हाँ बापू जी बोलो। दिवाली नजदीक आ रही है तो घर की साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए बापू जी, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी जी फटाफट आती है। तो चल फटाफट काम पे लग जा। क्या मतलब? क्या क्या मतलब, घर की साफ सफाई करने लग जा। मैं करूँ घर की साफ सफाई? तो क्या मैं करूँ? नहीं नहीं, वो है ना अपनी काम वाली भाई, क्या नाम उसका, कमड़ा। हाँ कमड़ा, वो किधर है? वो तो दिवाली की छुट्टी पर गई है। किसने दी उसको छुट्टी? मैंने। अच्छा क्या बापूजी, क्या वो भी इंसानी है ना, उसको भी छुट्टी तो चाहिए ना दिवाली में। पर मैं क्या कहता हूँ बापूजी, ये घर की साफ सफाई करवाने के बाद उसको छुट्टी देनी चाहिए थी ना। अभी वो छुट्टी से आएगी तो दिवाली की बख्शीश मांगेगी, बिना काम किया बख्शीश। ठीक है तो उसे मत लेना, इस बार दिवाली की बख्शीश तू रख लेना बस। चल 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 काम पे लग जा चल। बापू जी। क्या
ये देखिए आज मेरी राशि में लिखा है कि आज राजयोग है। ये भाई कर्म योग से बड़ा और कोई योग नहीं होता। हाँ तो बापूजी आपको पता है भीड़े भाई कितने अच्छे हैं, उनको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता, बिना कहे घर की साफ सफाई खुद कर लेते हैं। तो वो तो करेगा ही ना, वो लेडीज ही है, गलती से जेंट्स के कपड़े पहन के घूमता है वो। ये फालतू का लवारा बंद कर, तू तो मर्द है ना, तो पूरा घर साफ करके दिखा दे अपनी मर्दानगी। और बाथरूम पूरा घर साफ करना पड़ेगा, कर दीजिए ना। देखिए आप पूरे घर को फटाफट साफ कर देंगे ना तो मैं आपको एक स्पेशल चीज साफ करने के लिए दूंगी। क्या? घी से लथपथ पूरण पोली। ठीक है लाओ साफ सफाई की साधन सामग्री लाओ। थैंक यू। अरे बस अबे थैंक यू थैंक यू। अच्छा तेरे कल वाले थैंक यू का मतलब अब समझ में आया। और सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? जैसे थैंक यू समझ में आ गया ना वैसे सॉरी भी समझ में आ जाएगा। अरे 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 वाहन, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? साफ सफाई। अरे यहाँ नहीं वहाँ करनी है। अरे वहाँ तो हो गई, क्या वहाँ करनी है? अरे ये यहाँ यहाँ करनी है। देखिए यहाँ तो साफ सफाई नहीं हुई है। तो यहाँ तो साफ तो किया। ये देखिए सफाई तो हुई नहीं है। करता हूँ तुम शांति रखो, देखो मेरे दो ही हाथ है। तो मैंने कब कहा आपके चार हाथ है? जरा शांति से ठीक से साफ कीजिए ना। तुम मुझे कह रही हो कि डांट रही हो? कभी दिवाली आई नहीं कि ये लोग लगे बॉम्ब फोड़ने। जी तो करते हैं दिवाली के दिनों में किसी हिल स्टेशन भाग जाऊं। चलो चलो जाते हैं। चलो चलते हैं। तुमको क्या है वो दुकान चलाने के लिए? फिर क्या गांव से तुम्हारी माँ को बुलाऊं? माँ को फोन करूं? हे भगवान इसके रिपेयरिंग का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। बाप रे ये बम के आवाज का क्या करूं, मेरे कान पक गए। एक काम करती हूँ मैं आपको रुई ला कर देती हूँ, वो आप कान में डाल दीजिए और सफाई कीजिए। क्या है कि उससे घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और आपके कान भी साफ हो जाएंगे। ये लीजिए आप, मैं रुई ला कर देती हूँ। उदय भाभी। अरे रोशन बेन आओ आओ। अरे बाप रे रोशन ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा तो इज्जत का कचरा हो जाएगा, और अगर कहीं बबीता जी को बता दिया तो डबल कचरा। छुपो छुपो। अरे दयाबेन तुम्हारे को नया नौकर मिल गया? नहीं नहीं ये तो हाँ माने गांव से भेजा है, थोड़ा कामचोर है पर अच्छा है। अरे दिवाली में मिल गया वही बड़ी बात। मुझे भी घर की सफाई करवानी है, एक काम करना तो इसको एक दिन मेरे घर में भेज देना, इसकी जो भी फीस होगी 500 रुपए मैं दे दूंगी। नहीं नहीं ये पैसों का भूखा नहीं है, ये तो सच में भूखा है। हाँ और पूरन पोली तो इतनी पसंद है ना? हाँ? अच्छा देव बहन मैं तुमसे ये बोलने के लिए आई थी कि हम लोग को शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाना है? अरे तो बबीता जी को पूछ लो ना, वो तो पूरा दिन शॉपिंग ही करते रहते हैं ना। अरे हाँ पर बबीता और अय्यर भाई तो लोनावला गए हैं। क्या मिट्टी? अच्छा तो फिर हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, मेरा मतलब नक्की करते हैं। ओके ओके बाय बाय बाय। Ah!
माँ ने गाँव से भेजा है नौकर। क्या 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 बोल रही थी वहाँ पे? लो तो मैं तो बोलने ही वाली थी कि आप नौकर नहीं है, आप टप्पू के पापा है, पर आप वो ऐसा इशारा करके बोलने को मना किया किया कि नहीं? हाँ, पर इतना ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है? वो पैसों का भूखा नहीं है, सचमुच भूखा है वो सब। सचमुच क्या भूखे नहीं है? जेठालाल, दया भाभी जरा आपने टप्पू को समझाइए। आप पिछले 2 घंटे से मेरे ही घर के नीचे वो दुनिया भर के बम फोड़ रहा है। मेरे कान पक गए, मैं तंग आ गया हूँ उससे। अरे भाई, बम से तो मैं भी तंग आ गया हूँ, मेरे भी कान पक गए। ए भाई, तुम अपना काम करो ना। जेठालाल कहाँ है? ए भीड़े, इधर है जेठालाल। कल मैं बच्चे लोग को कंपाउंड में डांट रहा था कि इधर फटाके मत फोड़ो, तो तू उल्टा मुझे सुना रहा था कि बच्चे लोग कंपाउंड में फटाके नहीं फोड़ेंगे, तो क्या तुम्हारे घर पे आके फोड़े? और अभी क्या हुआ? जेठालाल, तुम और इस हालत में? जेठालाल, क्या बात है, वाह! हाथ में झाड़ू, कंधे पे गमछा, सफाई करने चला जेठालाल आमसा, वाह! क्यों जेठालाल, सोसाइटी में बड़े शेर बने घूमते हो और घर में भीगी बिल्ली वो भी स्टूल पर चढ़ी हुई? क्या बात है! ये भिड़े, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये जो मैं सफाई कर रहा हूँ ना, वो तेरी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, पूछ दया से। हाँ, आप स्त्री के कपड़े लेने देने जाते हो, फिर दूध लेने जाते हो, सब्जी भी लाते हो घर के लिए, तो घर की साफ सफाई भी करते ही होंगे। अरे नहीं नहीं दया भाभी, घर के बाहर के काम मैं करता हूँ, घर के अंदर के सफाई के काम तो मेरी काम वाली बाई करती है, मैं नहीं करता है। सॉरी, वो तो आपसे काम करवाने के लिए मैंने झूठ मूठ का ही बोल दिया था। पर मेरी माँ कहती है कि अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ भी सच से बड़ा होता है। ए सच वाली! एक मिनट, लेकिन जेठालाल एक बात तुम मान गए, मैं आज बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लग रहे हो। अरे मुझे वाकई तुम पर आज गर्व हो रहा है, मतलब इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े दुकान का मालिक और खुद के घर में एक नौकर का काम कर रहा है, वाह वाह वाह, सचमुच एक आदर्श व्यक्ति हो तुम। अभी देखो क्या है भिड़े, जिंदगी में हम लोग आए क्या लेके जाने वाले, क्या लेके आए, आदर्शी जीवन जीना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सबको। वो एक मैं तस्वीर, दूसरा क्या है भीड़े, मैं पहले से ही वो क्या बोलते हो, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, हाँ वो वो तो दिख ही रहा है, एक आदर्श जीवन जीने के लिए। मैं एक विनती करूँ आपसे, एक तस्वीर खींच सकता हूँ मैं आपकी? हाँ बिल्कुल ले लो। ए दया, वो मेरे अकेले की तस्वीर लेना चाहते, तू बाजू रहे, अकेले की नहीं रहे ना, बाजू रहे, एक मिनट, वो जरा झाड़ू ऊपर करके जरा स्माइल, हाँ और एक ले लो, ऐसा साफ सफाई करता हूँ ऐसा, वो झाड़ू थोड़ा ऊपर पकड़ना, आदर्श व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है। क्या पोज है जेठालाल, अब ये फोटो पूरी सोसाइटी देखेगी। भिड़ा भिड़ा मजाक नहीं, देखो ये अच्छी बात नहीं है भिड़े। एक काम करो ना, इनके कैमरे में से रोल ही निकाल दो। ए डोबी, ओ मोबाइल के कैमरे में रोल नहीं होता है। तो फिर चिंता क्यों करते हो, रोल नहीं है तो फोटो कैसे आएगी? सॉरी भाई। भिड़े भिड़े, वो फोटो निकाल। हाँ निकालूंगा ना, निकालूंगा, इस पे से 50-60 इनलार्ज कॉपी निकालूंगा और पूरी सोसाइटी में बांटूंगा। भाई ये तो कमाल हो गया, मेरे खास दोस्त जेठालाल गड़ा ने जिंदगी भर ये नहीं सोचा होगा कि उनके पड़ोसी आत्माराम भिड़े को इतनी मोहब्बत आ जाएगी जेठालाल के लिए कि उनकी फोटो खींच लेंगे, और फोटो खींच ली उन्होंने। लेकिन देखिए तो सही कि फोटो किस अवस्था में खींची है, सफाई करते हुए जेठालाल दिवाली की सफाई से वैसे ही परेशान, दुखी बेचारे, सुबह से आधे कपड़ों में तो थे और इधर फोटो खींच ली भिड़े ने। अब क्या होगा, जेठालाल भिड़े का कुछ करेंगे या भिड़े इस फोटो का कुछ करेंगे? मजा तो आएगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आप और हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।